केरल आपके आ जाने से मैं साहिल भले ही वेदिका से कितनी भी नफरत कर रहे हों, लेकिन वो अभी भी उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं और इसीलिए आज एक बार फिर नशे की हालत में साहिल पहुंच गए हैं वेदिका के घर। नशे की हालत में साहिल वेदिका के घर पहुंच तो गए हैं, लेकिन वहां भी उसने वेदिका को सुना दी खरी खोटी। वहीं वेदिका ने साहिल को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहां सुनने वाले थे भला वो, और देखिए खुद को ही जख्मी कर बैठे। वेल, साहिल के इन सब ड्रामों के बाद वेदिका ने उसे उसके घर छोड़ना ही ठीक समझा और वो साहिल को लेकर पहुंच जाती है भूमि के घर। जैसे ही वेदिका के साथ साहिल को भूमि देखती है, वो हो जाती है ब्लैंक। वेदिका ने साहिल को उसकी पत्नी यानी भूमि के हवाले सौंपा और साथ ही अपनी बहन भूमि को किया धन्यवाद कि उसने इन 5 सालों में उसके बच्चों और माँ का रखा पूरा ख्याल। वहीं भूमि अंदर ही अंदर घुट रही है साहिल और वेदिका को साथ देख कर। साहिल आया था वेदिका के घर में जैसे पहले 5 साल पहले कभी अपसेट हो गया उनके आता है, वैसे ही दोबारा आया था। बट डिफरेंस इसके बाद तो वेदिका ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो प्यार करती है साहिल, बट सिचुएशन फिर से ऐसे हो गए कि साहिल को नहीं बता रहा कि साहिल का पूरा परिवार है एंड अकॉर्डिंग टू वेदिका ये साहिल और भूमि का बच्चा है, तो किसी और की फैमिली ऑलरेडी सेम फैमिली है उसे बर्बाद करना तो वेदिका को नहीं चाहिए, तो वो एक्सेप्ट